हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को यूट्यूब चैनल टेक ग्लोबल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जानते हैं सीखते इस वीडियो में बहुत ही कमाल की ट्रिक के बारे में। जी दोस्तों, इस ट्रिक की मदद से अब आप अपने मोबाइल फोन में एक स्टाइलिश कीबोर्ड लगा सकते हैं, जिसको देखने के बाद जब भी आपका दोस्त लोग आपके मोबाइल फोन में आपके कीबोर्ड को देखेगा तो देख के चौंक जाएगा, क्योंकि आपका कीबोर्ड इतना आकर्षक होने वाला है, इतना यानी कि इतना चमकेगा दिखने में, जो कि यहाँ पे आपको आकर्षक तरीके से लाइट देखने को मिल रहा है सिर्फ कीबोर्ड में, यानी कि कीपैड बटन भी आप इसको सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा ग्लू दिखाया गया है, यानी कि इस तरह से अब आप अपने मोबाइल फोन के कीबोर्ड को आप बदल सकते हैं, वो भी स्टाइलिश मोड में, जिससे आप कीबोर्ड से आप किसी के नंबर टाइप करते हैं या फिर कोई मैसेज करते हैं, उस कीबोर्ड को आप एक स्टाइलिश कीबोर्ड बना सकते हैं, या फिर आप चमकते हुए कीबोर्ड भी आप इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को बिना कट किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की ओर, आपको बताते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल फोन में एक स्टाइलिश कीबोर्ड या फिर आप चमकते हुए कीबोर्ड कैसे लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम कर देना है, यानी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर कर देना है क्लिक, और साथ ही एक ऑप्शन बेल आइकन का मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पर क्लिक कर देना है, और साथ ही एक ऑप्शन लाइक का भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको लाइक भी कर देना है क्लिक। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और जानते कि आप अपने मोबाइल फोन में एक आकर्षक यानी कि कीबोर्ड कैसे लगाए। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही आकर्षक यानी कि धमाल यानी कि चमकते हुए कीबोर्ड लगाना सिखाएंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन की जरूरी पड़ेगी, जिसका नाम है न्योन लेड कीबोर्ड। दोस्तों, यहां पे एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, यानी कि ये कीबोर्ड आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और साथ ही इस कीबोर्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है। तो चलिए हम आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा यानी कि रिफ्रेश हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों इनेबल का। तो दोस्तों, इनेबल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांगेगा ये एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे आपको सारे परमिशन को करना पड़ेगा अलाउ। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको ओके लिखा दिख रहा है, ओके पे आपको करना है क्लिक। दोस्तों, जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन न्योन लेड कीबोर्ड का दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको इसको कर देना है इनेबल। इनेबल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन एक्टिव का दिखेगा, एक्टिव पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन सेलेक्ट का दोस्तों दिख रहा होगा, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन इंग्लिश सिर्फ लिखा हुआ दिखेगा, इंग्लिश के नीचे न्योन लेड कीबोर्ड दिखेगा, न्योन लेड कीबोर्ड लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा सेटिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर में थीम लिखा दिख रहा होगा दोस्तों, सबसे ऊपर में, तो थीम वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। थीम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा थीम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ेदार थीम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से आप कोई भी थीम को यूज कर सकते हैं। कोई भी थीम को यूज करते ही आपके मोबाइल फोन की ये थीम बहुत ही आकर्षक बना देगा, जो कि चलिए फिलहाल हमको एक थीम यूज करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए चलिए इस थीम पे आप करते क्लिक। दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे कुछ सारे ऐड को कर देना है कैंसिल। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम इस ऐड को कर देते कैंसिल। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा हो जो कि टिक के निशान लग गया, जो कि हमने इस कीबोर्ड को कर लिया था सेलेक्ट। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे आपको ऊपर में एक दिख रहा होगा टाइप सम थिंग, यानी कि कुछ यहाँ पे आप टाइप करके पता कर सकते हैं यानी कि कीबोर्ड चेंज हुआ या नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो यानी कि कितना आकर्षक कीबोर्ड लग रहा है। यहाँ पे लाइट भी चमक रहा है, यानी कि आप इसे चमकते हुए कीबोर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर भी टाइप करना चाहेंगे तो यहाँ से आप नंबर भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप इस कीबोर्ड को थीम चेंज करना चाहेंगे तो फिर से आप ऊपर वाले थीम पे क्लिक करके यहाँ से और भी थीम को, यानी कि यहाँ पे और भी मज़ेदार यानी थीम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस थीम पे कर देते हैं क्लिक, और फिर से चलाते हैं बैक पे। फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड आ गया। तो दोस्तों, कहीं बार आपके पास ये जरूर होता होगा आपको नए नंबर से परेशान करते हैं, मिस कॉल मारते हैं, या तो इस एड को कर देते हैं कैंसिल करते हैं। यहाँ पे फिर से चलिए कुछ टाइप करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, फिर से ये कीबोर्ड आ गया। इस तरह से आप यहाँ से आप आकर्षक तरीके का कीबोर्ड लगा सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल फोन को बेहद ही खूबसूरत बना देगा। तो दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि भी कीबोर्ड आपको कैसा लगा। धन्यवाद।